नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं जीवन कोश। दोस्तों, धनतेरस एक ऐसा दिन जिसमें लोग खूब खरीदारी करते हैं और जमकर खरीदारी करते हैं। लोग धनतेरस पर नए बर्तन लाते हैं, नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी लाते हैं और कई लोग इस दिन सोना चांदी भी खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों, हर किसी के बस में नहीं होता धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना। महंगाई का दौर चल रहा है, सोना चांदी खरीदना एक आसमान छूने जैसी बात हो जाती है। दोस्तों, जिसकी क्षमता होती है वो सोना भी खरीदता है, चांदी भी खरीदता है, हीरा भी खरीदता है, लेकिन जिसकी क्षमता नहीं होती वो नहीं खरीद पाता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप सोना चांदी खरीदेंगे तो आपके घर में धन की वर्षा होगी, लक्ष्मी की वर्षा होगी। दोस्तों, आप खुद सोचिए, जो सोना खरीद रहा है तो उसके पास ऑलरेडी पैसा है, इसीलिए वो सोना खरीद पा रहा है। हर किसी की तो ऐसी क्षमता नहीं होती। तो इसीलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप धनतेरस पर क्या खरीदें जो आपके लिए होगा शुभ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। दोस्तों, आप धनतेरस पर बर्तन ले सकते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। और पुरानी मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर बर्तन लेना बेहद शुभ माना गया है। और ये इसीलिए भी है कि देखिए, अगर हम घर में पुराने या टूटे फूटे बर्तन रखेंगे जिनको हम यूज नहीं करते, तो इससे हमारे घर में नेगेटिव वाइब्स आती हैं। पुराना और टूटा फूटा कुछ भी अगर हमारे घर में है, उससे नेगेटिव वाइब्स जरूर आती हैं। इसीलिए उनको हटाकर आप नए बर्तन धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप मिट्टी के बर्तन धनतेरस पर अगर खरीदें, ये आपके लिए बेहद शुभ होगा, चाहे वो मिट्टी का प्याऊ ही क्यों ना हो। जिस बर्तन में चिड़िया पानी पीती है उसको प्याऊ बोला जाता है, जो हम घर में अमूमन रखते हैं अपनी बालकनी में, अपने छत पर। इसके अलावा आप मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं, जो हम दिवाली पर प्रज्वलित करते हैं। दोस्तों, ध्यान रहे, धनतेरस के दिन चौमुखी दिया लेना भी बेहद शुभ है। इसके अलावा आप धनतेरस पर नए कपड़े भी खरीद सकते हैं। जी हाँ, धनतेरस पर नए कपड़े लेना बेहद शुभ होता है। आपके घर में जितने भी कटे फटे या छोटे कपड़े हो गए हैं, वो आप या तो किसी को डोनेट कर दीजिए या फिर आप घर की सफाई में उस कपड़े को लगा सकते हैं और उसके बाद उसे फेंक सकते हैं। यानी जो आप कपड़े यूज नहीं कर रहे हैं, पुराने हो चुके हैं, उसको आप फेंक दें और नए कपड़े खरीदें। इसके अलावा दोस्तों, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी बेहद शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से माता लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां किसी का पैर ना लगे। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू खरीदने से घर की दरिद्रता का नाश होता है। इसके अलावा आप धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी ले सकते हैं, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, टीवी हो, फ्रिज हो, लैपटॉप हो। अपनी क्षमता के अनुसार और अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इस दिन इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले सकते हैं, ये बेहद शुभ होता है। दोस्तों, ये कुछ ऐसे आइटम्स हैं या ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो धनतेरस पर आप खरीद सकते हैं और ये खरीदना बेहद शुभ माना गया है। दोस्तों देखिए, धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना भी शुभ होता है, लेकिन हर किसी की हैसियत नहीं होती, हर किसी की क्षमता नहीं होती कि इस दिन वो सोना या फिर चांदी खरीदे। अगर आप सोना या चांदी इस दिन खरीदते हैं, ये आपके लिए शुभ तो है ही, लेकिन आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो आप कभी भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि क्या ऐसी चीज है सोना चांदी के अलावा जो आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं और जो आपके लिए बेहद शुभ हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही।